हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक का 14th वीडियो है जिसमें हम सॉन्ग्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम में दो अलग अलग कविताएं सम्मिलित की गई है। एक कविता है द मुंडा सॉन्ग और दूसरी कविता है अ कोन सॉन्ग। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली अ मुंडा सॉन्ग इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम कोन सॉन्ग को पढ़ेंगे। दोस्तों, अ मुंडा सॉन्ग ये बर्थ के टाइम पर गाया जाने वाला एक ऐसा गीत है जिसे मुंडा समुदाय के लोग गाते हैं। तो इस वीडियो में हम तीन चीजों पर गौर करेंगे। पहली चीज, हम मुंडा समुदाय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। दूसरे सेक्शन में हम इस पर्टिकुलर गीत के बैकग्राउंड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और थर्ड सेक्शन में हम इस पोयम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मुंडा समुदाय के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान के छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा समुदाय के आदिवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। झारखंड, बिहार, आसाम और इन कई सारे राज्यों में लगभग 20 लाख के करीब इन लोगों की जनसंख्या है। इन लोगों की अपनी एक भाषा है जिसे मुंडारी नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताएं तो मुंडा समुदाय के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा गया है जिसे इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन लोगों के अगर खास बिलीफ के बारे में बात करें तो हर एक मुंडा समुदाय के व्यक्तियों के घरों में हमको एक ऐसा कमरा देखने मिलेगा जिस कमरे में उनके पूर्वज रहते हैं, ऐसा वो मानते हैं। अपने पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए टेराकोटा से बने हुए अलग अलग चिन्ह या फिर जो भी प्रतीकात्मक चिन्ह है वो उस रूम में, उस कमरे में रखे जाते हैं। ऐसे में मुंडा समुदाय के लोग तीव्रता से ये मानते हैं कि इंसान का शरीर तो मिट जाता है, इंसान का शरीर मर जाता है, लेकिन इंसान की आत्मा अमर रहती है। और वो मानते हैं कि भले ही उनके पूर्वज आज शरीर स्वरूप में उनके साथ में नहीं है, फिर भी वो उनके साथ में ही है। दोस्तों, चलिए अब मुंडा सॉन्ग के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। मुंडा सॉन्ग, ये गीत जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इस गीत को बच्चे या बच्ची के जन्म के समय पे गाया जाता है। दोस्तों, मुंडा समुदाय के जीवन शैली के अंदर जन्म, मृत्यु और शादी ब्याह के अलग अलग अवसरों के ऊपर गीत गाकर इन अवसरों को, इन सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने की प्रथा होती है। साथ ही साथ उन समुदायों के अंदर हम एक चीज नोट करते हैं कि वो एक स्थानक समय के अनुसार वो अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, बल्कि सूर्य का उगना और सूर्यास्त होना, इन समयों के अनुसार वो अपने जीवन को बिताते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि उनके लिए 12 बज गए, ये कहने का तरीका नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि अभी सूरज सर पर आ गया है। तो इस तरह से हम ये जान पाते हैं कि उनके जीवन में नेचर का एक कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। इसी चीज का एक रिफ्लेक्शन हमें मुंडा सॉन्ग में भी देखने को मिलता है। जब बच्चे के जन्म को सूर्योदय के साथ कंपेयर किया जाता है, वही लड़की के जन्म को चंद्रमा के उगम के साथ कंपेयर किया जाता है। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और मुंडा सॉन्ग को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अभी हम ओरिजिनल मुंडारी भाषा में गाया जाने वाला ये सॉन्ग्स ऑफ बर्थ एक मुंडा सॉन्ग पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से, माय मदर द सन रोज अ सन वॉज बॉर्न। दोस्तों, यहाँ पर माँ को संबोधित करते हुए ये गीत गाया जा रहा है। इसके पीछे एक रीज़न आप कह सकते हो कि अक्सर जो आदिवासी समुदाय में गीत गाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों के समय पर, ये गीत गाते हुए महिलाएं आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर ये संबोधित करता है कि कुछ महिलाएं जब किसी घर में लड़के का या लड़की का जन्म होने वाला है, उस अवसर पर उस घर के सामने या उस आंगन में बैठकर गीत गा रही है। और वो कह रही है, माय मदर द सन रोज अ सन वॉज बॉर्न, और वो कहती है कि सूर्य उग गया है, सूर्य ऊपर आ रहा है और अभी लड़के का जन्म हुआ है। माई मदर द मून रोज अ डॉटर वॉज बॉर्न, और फिर से एक बार वो कहती है कि अभी चंद्रमा उगम पा रही है, लड़की ने जन्म लिया है। यहाँ पर हम ठीक से देख पाते हैं
कि लड़के के जन्म को सूरज के उगने के साथ कंपेयर किया गया है, वही लड़की के जन्म को चंद्रमा के उगम के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पर सूरज और चंद्रमा इन दोनों के ही इम्पोर्टेंस को हम इस पोएम से जान पाते हैं कि एक मुंडारी जीवन में नेचर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आगे हम पढ़ते हैं, अ सन वॉज बॉर्न द काउशेड वॉज डिप्लीटेड। लड़के का जन्म हुआ तो काउशेड डिप्लीट हो गया, जो भी गाय थी वो अभी उनके तबेले से बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि लड़के के जन्म को सूर्योदय के साथ कंपेयर किया गया, तो सूर्योदय होने के बाद में जो गाय होती है वो चरने के लिए खेतों में चली जाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही लड़के का जन्म हुआ तो सारी गायें चरने के लिए बाहर चली गई, और जो काउशेड है, जो तबेला है, वो खाली हो गया, वीरान हो गया। अ डॉटर वॉज बॉर्न द काउशेड फील्ड अप। और फिर जब लड़की का जन्म हुआ तब काउशेड फिर से एक बार फिल अप हो गया। तो यहाँ पर ये एक इनडायरेक्ट हमको सिग्नल दे रहा है कि लड़की का जन्म होना उनके लिए ज़्यादा शुभ है। क्यों? क्योंकि जब लड़के का जन्म हुआ तो वो कह रहे हैं कि पूरा काउशेड खाली हो गया, तबेला खाली हो गया, वही लड़की का जन्म हुआ तो तबेला फिर से एक बार भर गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक मुंडा समुदाय के अंदर महिलाओं का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए वो मानती है कि लड़के का जन्म होना लड़के के जन्म होने से बहुत ज़्यादा शुभ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट पोएम अच्छे से समझ में आ गई। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर कमेंट कर पूछिए, मैं उनका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।